बात प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 8 पढ़ा था, गुटरू और फुटकू। हमने उसकी शब्दार्थ पार्ट को पढ़ते समय ही समझ लिए थे, पर हम एक बार उसको फिर से समझ लेते हैं। डाल, टहनी या शाखा, समस्या, कठिनाई, खुद, अपने आप, बेवजह, बिना कारण, इजाज़त, आज्ञा, गुजारना, बिताना, खुशामद, प्रार्थना या फिर विनती, दोष, अपराध या गलती, उम्मीद, आशा, गुजारा चलना, काम चलाना, तलाश, खोज, सहायता, मदद। इसी के नीचे है आपका पार्ट से मौखिक, एक मौखिक और दो लिखित। अब हम इन मौखिक और लिखित प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले हमारा एक मौखिक प्रश्न, प्रश्न क, दोनों कबूतर कहाँ रहते थे? जो हमारे कबूतर हैं गुटरू और फुटकू, वो कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे दोनों कबूतर? पेड़ पर। तो हम उत्तर लिखेंगे, दोनों कबूतर पेड़ पर रहते थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ख, उनमें कौन आलसी था? उनमें का अर्थ यहाँ पर है कबूतर से, उन कबूतर में कौन आलसी था और कौन मेहनती? दो कबूतर थे, एक आलसी था और दूसरा मेहनती। तो हम उत्तर में लिखेंगे, दोनों में फुटकू आलसी और गुटरू मेहनती था। दोनों में फुटकू आलसी और गुटरू मेहनती था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न ग, चिड़िया ने गुटरू को क्या समझाया? जो चिड़िया थी उसी पेड़ पर एक चिड़िया रहने के लिए आई थी, उस चिड़िया ने गुटरू को क्या समझाया? गुटरू कौन था? मेहनती कबूतर। हम उत्तर लिखेंगे, चिड़िया ने गुटरू को समझाया कि फुटकू को स्वयं अपना काम करना था। स्वयं मतलब अपने आप। चिड़िया ने गुटरू को समझाया कि फुटकू को अपना काम स्वयं करने दो। अब हम अगला देखते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न क, बरसात आने से पहले गुटरू क्या तैयारियां करता था? जो गुटरू था, जो बहुत मेहनती था, वो बरसात आने से पहले क्या तैयारियां करता था? क्या करता था गुटरू? बरसात आने से पहले अपने लिए घोंसला बनाता था। तो हम उत्तर में लिखेंगे, उत्तर, बरसात आने से पहले गुटरू तिनके इकट्ठे करके एक खूबसूरत सा घोंसला बना लेता था। खूबसूरत मतलब सुंदर, एक खूबसूरत सा घोंसला बना लेता था। अगला प्रश्न है हमारा, बरसात आने से पहले फुटकू ने क्या तैयारी की? पहले प्रश्न में हमने पढ़ा बरसात आने से पहले गुटरू क्या तैयारियां करता था। इस प्रश्न में हम देखेंगे, बरसात आने से पहले फुटकू क्या तैयारी करता था? क्या करता था फुटकू? बरसात आने पर गुटरू से खुशामद करता था और गुटरू के घोंसले में घुस जाता था। हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर, बरसात आने पर फुटकू हर बार की तरह खुशामद करके, खुशामद मतलब विनती, खुशामद करके गुटरू के घोंसले में घुस जाता। बरसात आने पर फुटकू हमेशा की तरह खुशामद करता और गुटरू के घोंसले में घुस जाता। प्रश्न ग, गुटरू ने फुटकू की आदत बिगाड़ दी कैसे? जो गुटरू था, जो मेहनती कबूतर था, उसने फुटकू की आदत कैसे बिगाड़ दी थी?
गुटरू क्या करता था, अपने खाने में से फुदकू को खाना देता, अपने घोंसले में रहने की जगह देता। इस तरह उसने उसको और भी आलसी बना दिया था। इसलिए हम उत्तर में लिखेंगे, गुटरू ने फुदकू की आदत अपने खाने में से कुछ हिस्सा देकर और अपने घोंसले में रहने की इजाज़त देकर बिगाड़ दी थी। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, गुटरू ने फुदकू की आदत अपने खाने में से कुछ हिस्सा देकर और अपने घोंसले में रहने की इजाज़त देकर बिगाड़ दी थी। अगला है हमारा प्रश्न 3, यह है आपकी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 55। प्रश्न 3 है आपका, फुदकू के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया और कैसे। जो फुदकू था वो अंत में बदल गया था, जो उसका स्वभाव था आलसी, उस स्वभाव में परिवर्तन आया। तो हमें लिखना है कि वो परिवर्तन कैसे आया और क्यों आया। जो गुटरू था उसने क्या किया था, चिड़िया की बात मानकर फुदकू को खाना देना बंद कर दिया था और अपने घोंसले में रहने की इजाजत भी नहीं दी थी। तो इसलिए हम उत्तर में लिखेंगे, जब गुटरू ने उसे मतलब फुदकू को, जब गुटरू ने उसे अपने खाने में से खाना देना बंद कर दिया तो फुदकू स्वयं दाना बटोरने लगा। इसी तरह धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा और वह आलसी से मेहनती बन गया। गुटरू ने चिड़िया की बात मानी और उसे अपने खाने में से खाना देना बंद किया तो वह खुद जाकर खाना लाने लगा। और जब उसने गुटरू ने अपने घोंसले में उसे रहने की जगह नहीं दी तो अगले साल उसने खुद अपने लिए घोंसला बनाया। इस तरह वह धीरे धीरे आलसी से मेहनती बन गया। अगला है हमारा प्रश्न 4, इन घोंसलों में कौन कौन से पक्षी रहते हैं। यहाँ पर 3 घोंसले दिए हैं, हमें इन घोंसलों की बताना है देखकर कि ये किस पक्षी के घोंसले का चित्र है। ये पहला वाला है, यहाँ कौन ये किस कौन से पक्षी का चित्र है, घोंसले का चित्र है उल्लू। इस घोंसले में कौन सा पक्षी रहता है, उल्लू। तो हम क्या लिखेंगे, उल्लू का। ये अगला चित्र है हमारा, इसमें एक घोंसला पेड़ की डाल पर लटका हुआ है। लटके हुए घोंसले में कौन रहता है, बया। एक ये एक चिड़िया होती है उसका नाम होता है बया। जो लटके हुए घोंसले में बया कौन रहता है, ये इसमें बया। अगला है ये घोंसला तो आप सभी ने देखा होगा, ये होता है पेड़ की डाल पर कटोरी की तरह, या फिर टोकरी की तरह होता है। और इसमें कौन रहता है, चिड़िया। ये चिड़िया कई बार ये घोंसले आपके घरों में भी बनाती है। अगला है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। ये तो आपको पता है, यहाँ है प्रश्न और उसके दिए हुए हैं विकल्प, हमें सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। क है हमारा गुटरू कैसा था, जो कबूतर था गुटरू वो कैसा था, एक आलसी, दूसरा मेहनती और तीसरा डरपोक। कैसा था गुटरू, मेहनती। तो हम यहाँ मेहनती सही पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ख है हमारा गुटरू ने अपनी समस्या किसे बताई, जो गुटरू था उसने अपनी समस्या किसे बताई। गुटरू जो था वो बहुत परेशान था कि वो काम मेहनत करता और फुदकू कोई काम ना करके भी खाना खाता और उसके साथ रहने आ जाता, तो उसे उस चीज से
दिक्कत होने लगी। तो जो गुटरू था उसने अपनी इस परेशानी को किसे बताया? क तोते को, ख मैना को, या ग चिड़िया को? उस पेड़ पर कौन रहने आया था? चिड़िया। तो गुटरू ने अपनी समस्या किसे बताई थी? चिड़िया को। गुटरू ने अपनी समस्या चिड़िया को बताई। इसी तरह ग चिड़िया ने गुटरू को समझाया। जो चिड़िया थी उसने गुटरू को क्या समझाया? जब गुटरू ने अपनी समस्या चिड़िया को बताई तो चिड़िया ने गुटरू को समझाया, एक फुटकू को खाना मत दो, दो फुटकू को भगा दो, या तीन फुटकू से लड़ाई कर लो। क्या कहा था चिड़िया ने? या तो फुटकू को यहाँ से भगा दो, या फुटकू के साथ लड़ाई कर लो, या फिर फुटकू को खाना मत दो। क्या कहा था चिड़िया ने? कि उसे खाना मत दो। तो हम यहाँ नंबर एक फुटकू को खाना मत दो पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हम उन्हीं के आगे आपकी पुस्तक के पेज नंबर 57 के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। क कौन सा शब्द सर्वनाम है? हमने सर्वनाम की परिभाषा को एक बार पहले समझा था। सर्वनाम कौन से होते हैं? मैं, वह, तुम, उसे, तुमने, इसी तरह ये शब्द कौन से होते हैं? सर्वनाम। यहाँ है कौन सा शब्द सर्वनाम है? चिड़िया, कबूतर, या तुम? तो हम यहाँ पर तुम सर्वनाम पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ख है हमारा कबूतर की आवाज है। जो कबूतर है वो कैसी आवाज निकालता है? एक गुटरगू, दो टैं टैं, और तीन कुहु कुहु। कबूतर जब भी बैठता है तो उसकी आवाज कैसे आती है? गुटरगू। तो हम यहाँ एक गुटरगू पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ग खूबसूरत का विलोम। विलोम मतलब उसका उल्टा। तो खूबसूरत का विलोम है सुंदर, दो बदसूरत, या तीन सूरत। हमें खूबसूरत का क्या लिखना है? विलोम। तो हम यहाँ बदसूरत पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हम बाकी का अभ्यास आपके अगले वीडियो में करेंगे।